नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में, स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यू टाउन 10 नंबर रोड निवासी विजय मिश्रा की 28 वर्षीय बेटी शारदा 16 जुलाई से है लापता। शारदा की माँ और चाचा ने जानकारी देते हुए कहा कि मामूली सी बात पर घर से नाराज होकर निकल गई। हीरापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई है, पर अब तक कोई सुराग नहीं लगा। घर वालों के साथ साथ स्थानीय सातीर्थों क्लब के सदस्य भी उसकी तलाश में लगे हैं। आप लोग का नंबर है, मेरा भी है, फोन करके आप बात कीजिएगा। ठीक है, गाड़ी पे लेके चलो बेटा। एकदम एम भी करे ये तो हमर दिखे। हेलो, घर जाओ अभी। हां, 16 तारीख को 8 बजे रात से लापता है। घर में आपस में बहन से कुछ विवाद करके वो निकल गई। उसके पास में कुछ नहीं है, लाल कलर का कुर्ती और सलवार। कैसा कलर है? लाल भी सलवार है, दुपट्टा येलो लाल स्पॉटेड है। और अभी तक कुछ उसका पता नहीं चला है। अपना जो रिलेटिव्स हैं, एक हम ही हैं जो रहते हैं श्याम बांध काली मंदिर में। और हमसे तो जैसे पहला दिन ऐसा हुआ तो हमको फ़ोन किया, हम आए। और जैसे 24 घंटा होते होते ये तो जा भी नहीं सके थे थाना, हम जा करके डायरी किए गुमशुदा का। हाँ, तो हम पहले एप्लीकेशन लिख के गए थे यहाँ। ये हम पहले आवेदन पत्र लिख के गए थे, जैसे होता है 2 कॉपी। लेकिन वहाँ बोला कि यहाँ से भी फॉर्म मिलेगा और उसमें भी भर के आपको जमा करना होगा। तो फिर हम वहाँ से वो फॉर्म ले कर के यहाँ आए, फिर उसको फेयर किए हम लोग एप्लीकेशन को गुमशुदा का। और अपना ये मेरा भाई हैं, हाँ, इनसे साइन उइन करवा करके, ये तो चल नहीं सकते हैं, पैर से लाचार है। हाँ, ये भी भाभी भी बीमार रहती हैं। फिर हम जा करके वहाँ जमा किए तो डायरी नोट हुआ। मेरा नाम हुआ कैलाश मिश्रा। क्या किस वजह से वो? हमरा दूठो एक ठो लड़की आई है गांव से, उसी का बच्चा थोड़ा पानी उनी किया तो बहन उसको ये किया, तो हम पूरा उसको डांटे कि वो तो चल जाएगी, 10 दिन खातिर आई है, तुम ऐसे काहे करती है। इतने टा बात हुआ, हम दूसरा जगह चल गए हैं, थोड़ा कीर्तन भजन था तो वहीं पर चल गए। यही ठो फ्लैट है बस्ती में, उनके यहाँ चल गए गीत उत गाने के लिए। आए हैं तो देखें लड़की ने बड़ी वो लड़की बोली कि छोटी नहीं है जो बाबू को मारने लगा तो उधर वो लेके चल गया। इतने टा बात हुआ घर का। और कोई क्या नाम उसका? किसका? जो लड़की कही है शारदा कुमारी नाम है। क्या उम्र? उम्र वही 28-30 के अंदर होगा। इससे पहले कभी नहीं, कभी कहीं नहीं जाती थी उतना, और घरे में रहती थी, पूरा काम उम सब करती, लेकिन थोड़ा सीधी थी, जिद्दी टाइप के ई था उसका। हाँ, शादीशुदा था, शादी भी हो गया, 10 साल हो गया शादी उन्हें, अभी 6 साल से यहीं पर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले आसनसोल के अभिनव ने 2 गोल ला के एक बार फिर से देश के साथ शिल्पांजल का नाम रोशन किया। आसनसोल स्टेशन में अभिनव का भव्य स्वागत किया गया। Thank you.
गोल्ड लेके निकली। इस बार आप लोग कहाँ ओलंपिक खेलेंगे? कितने गोल्ड आए? दो गोल्ड आए। किस में? अपन इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभिनव ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट और 10 मीटर एयर राइफल टीम में दोनों में गोल्ड हुआ और इंडिविजुअल रैंकिंग उसका भी था स्कोर में एक नंबर था और एक मेडल थोड़े से के लिए मिस हो गया उसका, नहीं तो तीन गोल्ड के लिए हम लोग टारगेट किया था। तो फिर से होगा आगे बढ़ेंगे तो माँ घागरबुड़ी का नाम लेके अगला बार तीन में है कि नहीं। जय माता दी, जय माता दी। आपका नाम परिचय? मेरा नाम रुपेश कुमार भारत माता की जय। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंह बाग नियर बालाजी धाम अपर रोड बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल जीडी रोड आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, जीरो डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है।
तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। जिस देश में देवी की पूजा करते हैं, औरत को देवी मानते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देते हैं, 75 से 80 दिन लगे रिएक्ट करने में, जब वीडियो आया तब रिएक्ट किया है। ये तमाम बातें आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कही। मणिपुर कांड को लेकर उन्होंने कहा कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। 75 से 80 दिनों तक नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, इससे पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हुई है। सरकार रोकने में विफल साबित हो रही है। देखिए, हो नहीं रही है। मणिपुर हिंसा का जहां तक सवाल है, मणिपुर बर्निंग का जो सवाल है, मणिपुर में जो जघन्य कार्य जो काम हुए हैं, जितनी निंदनीय शर्मनाक दर्दनाक काम हुआ है, जिसको पूरे देश ने देखा, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, ये ऐसा हमारी छवि इतनी खराब हुई है, जिसमें सरकार स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे माननीय मित्र भारत के प्रधानमंत्री, जो कि 75 दिनों 80 दिनों तक कुछ नहीं बोलते इस कांड पे, ऐसे कांड पे, और 80 दिनों के बाद जब बोलते हैं तो सही मायने में कहा जा सकता है कि टू लिटिल और टू लेट, यानी बोलते हैं वो भी पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते हैं, और अपनी जितनी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया जो बन चुकी है चारों तरफ, उससे वो प्रचार करवा रहे हैं कि सही मायने में प्रचार मंत्री बने हैं इन दिनों, उनके बाकी मंत्रीगण भी प्रचार मंत्री बने हैं। अब ये सब लोग जो कर रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं, ये जो है काम हुआ है, ऐसा काम तो पूरे देश में किसी स्टेट में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा जो हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा और मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। गाली यानी क्रिटिसिज्म जो होगी वो कप्तान की होगी। मुझे पूरा लगता है कि ये पार्लियामेंट जो इस बार का सेशन जो है वॉश आउट हो जाएगा, और वॉश आउट हो जाएगा इसलिए कि हम लोग, और सही मायने में इंडिया, सही मायने में जो इंडिया जीतेगा, हमारा इंडिया जो है, हमारे लोग जो है, एक गुट और एक जुट विपक्ष जो है, वो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री इस पे बोलें, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे बात करें। डिबेट चर्चा तो बाद में होगी, क्योंकि इतने दिन तक चुप्पी का कारण क्या, कल एक चीज़ और देखेंगे, याद रखिएगा कि ये जो कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के बाहर आके, अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट में जब बहुत तीखी टिप्पणी हुई है सरकार पे, यहाँ पे और वहाँ पे भी कहा गया कि अगर आप नहीं कुछ कार्यक्रम नहीं इसका एक्शन लेते हैं तो हम एक्शन लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके 5 मिनट के बाद यहाँ पे इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। कितने देर से लोग कह कह के थक गए कि कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी, तो उसके बाद जवाब दिया, और उसके बाद अब तुर्रा ये कि वो जवाब देने के बाद लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो बोला, अरे ये बोलने का क्या मतलब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के भय से या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और वहाँ भी मणिपुर में भी, जो मैं कह रहा हूँ वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार, मणिपुर में भी कहा गया कि हमने एक को गिरफ्तार कर लिया है, ये नाम रिलीज़ किया आपने, ये जून का किस्सा है, मई जून का किस्सा जो है, आज जुलाई में इतने दिन बाद ये भीड़, ये उग्रवादी, ये हिंसा करने वाले लोग, ये हमारे माताओं को बहनों को जिस तरह से परेड किया, मुझे तो पूरा कहा भी नहीं जा रहा, शर्म आ रही, अच्छा नहीं लग रहा है कि भीड़ के सामने, जिस देश में हम लोग देवी की पूजा करते हैं, औरत को देवी मानते हैं, ऐसे हमारे देवियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके यहाँ ऐसा हुआ है, यानी 75-80 दिन लगे हैं रिएक्ट करने में, और रिएक्ट करने में भी जब लगा है तो उसके बाद जब वीडियो आया है तब रिएक्ट किया है। ये कैसा तमाशा है, ये कैसा, कैसी अदा है उनकी, ये कैसा व्यवहार है उनका। मैं समझता हूँ एक जो वहाँ हुआ वो तो वाकई बहुत जघन्य है, निंदनीय है, दर्दनाक है,
लेकिन हमारे माननीय ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे जितने बाकी मंत्रीगण हैं जो इस पर आज बोल रहे हैं, उछल उछल कर बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अरे साहब विपक्ष भाग रहा है चर्चा से, आप अधूरा सत्य बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष नहीं भाग रहा है, विपक्ष तो कह रहा है कि पहले प्रधानमंत्री बयान दे और वो भी जिस धारा के तहत बोल रहे हैं उस धारा के तहत वो बात नहीं बन रही है। हालांकि इसका नोटिस दिया गया है, राज्यसभा खड़गे साहब ने भी दिया और लोगों ने भी दिया है, इस पर नहीं हो रहा। मुझे एक चीज़ तो और लगती है, मुझे लगता है ये सब जो है किसी षड्यंत्र या किसी साजिश या किसी प्लान के तहत किया जा रहा है कि उनको भी सूट कर रहा है, चुनाव की घड़ी नज़दीक है, वो चाहते हैं सेशन ना चले और सेशन से क्योंकि बहुत कुछ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बहुत देश विदेश के लोग देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है आपने देखा सुना होगा, तो आज इतने लोग जो बातचीत कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जो धज्जियाँ उड़ेंगी, एक एक चीज उनके बारे में बगिया उखेड़ी जाएंगी, एक एक चीज़ जब सामने आएगा, ये नारी के अपमान मान सम्मान का ही विषय नहीं है सिर्फ, ये हमारे भारत की अस्मिता का सवाल है, ये हमारे मणिपुर की अस्मिता का सवाल है, ये हमारे पूरे स्त्री जाति जो है हमारी, जो हमारी माँ बहन हैं उनके साथ जो हुआ है उसका सवाल है कि पूरा विश्व आज हम पे क्या कह रहा है, क्या वहाँ जैसे हमारे माननीय जो हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और विश्व में बहुत सारे मुल्क में और पड़ोसी मुल्क में भी ध्यान भटकाया जा रहा है मुद्दों से, उनके मुद्दों से, और ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है कि देखिए भारत में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं जैसा कह रहा था उनको भी शायद सूट करता है कि सेशन पहले ही ख़त्म हो जाए ताकि न बात निकलेगी और न शायद दूर तक जाएगी, वो सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है बंद करेंगे ये लोग क्योंकि चुनाव की घड़ी नज़दीक है, कुछ स्टेट्स में चुनाव है जहाँ की इनकी स्थिति जो है इनके अपेक्षा अनुसार सही नहीं दिख रही है, उनको उनके सर्वे बता रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ही बता रही है कि विपक्ष जो है इंडिया जीतेगा और उनके हालात या उनके हालत उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह विपक्ष के सर पे ठेकरा फोड़ कर वो इस बार सेशन को यहीं पे ख़त्म करें ताकि वो चुनाव में कुछ देर के लिए सही शांतिपूर्वक जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि मणिपुर में जो जघन्य जो निंदनीय शर्मनाक और दर्दनाक जो किस्से हुए हैं और जिस तरह मणिपुर जल रहा है, इसको सबसे पहले इसको ठीक किया जाए, समाज सरकार केंद्र से सबसे यही अपील है कि पहला मरहम यहाँ लगाया जाए उन लोगों के ऊपर, कैसे करोगे डैमेज कंट्रोल वो आप जानो, लेकिन करना है जैसा मैंने शुरू में कहा कि भारत की अस्मिता का सवाल है, ये मणिपुर की अस्मिता का सवाल है। धन्यवाद सर। ये विपक्षी एकता की दूसरी बैठक भी संपन्न हो गई, क्या लगता है नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बना देना चाहिए? देखिए ये हम तो तय नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बहुत परिपक्व आदमी हैं, बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई समान हैं, हमारा भी बहुत सम्मान करते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ हैं इसमें, नीतीश कुमार की स्थिति को नीतीश कुमार के पोजीशन को आप कम करके नहीं चल सकते हैं। आज इतना बड़ा दो चीज़ जो हुई है, एक इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है अपोजिशन का जो शायद बहुत सालों से नहीं हुआ या पहले कभी नहीं हुआ इतना। दूसरी बात यह है कि इतना बेहतरीन नाम उभर कर आया है इस मीटिंग, खासकर कर्नाटका बेंगलुरु की मीटिंग के बाद, जो लोग चारों खाने चित हो गए, इंडिया इंडिया जीतेगा, जीतेगा भारत। अब इसके बाद क्या रह गया है उनके पास, एक से एक क्या इंडिया की शिकायत करेंगे, जैसे ममता जी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि ममता जी का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, योगदान है इंडिया देने के लिए, वो बधाई के पात्र हैं, वो भी ममता जी ज़रूर बधाई के पात्र हैं, लेकिन ममता जी ने बहुत अच्छा कहा कि क्या कोई चैलेंज कर सकता है अब इंडिया को, NDA चैलेंज कर सकता है, ये इंडिया है, ये वो सारे लोग मिले, इसमें कौन कौन लोग मिले, एक से एक परिपक्व लोग। आप कहते हो कि शरद पवार से लेके ममता बनर्जी से लेके खड़गे साहब से लेके राहुल गांधी से लेके सीताराम येचुरी से मिलके लेके लालू प्रसाद यादव जो ट्रू लीडर ऑफ मासेज हैं वो हैं, हमारे अपने नीतीश बाबू हैं,
ये ललन जी हैं ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, और इनमें से हमारे माननीय कह रहे हैं ये सब भ्रष्टाचारी कर। अरे भाई कुछ कहने के पहले सोचो तो सही, 27 जून को आपने ही कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में, 27 जून को, तारीख याद रखिएगा, 27 जून को कहा था, और उन्होंने कहा था कि साहब वहाँ सिंचाई घोटाला हुआ, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, ये 27 जून को कहा। इन लोग तो जगह इनकी क्या, और अब मेरी भी एक गारंटी है उनकी, अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मेरी भी एक गारंटी है, और गारंटी है उनके खिलाफ एक्शन लेने की। तो 27 जून को ये कहा एक्शन लेने, 70,000 करोड़ का घोटाला, और 2 जुलाई को एक्शन ये ले लिया कि उनको अपने अंदर शामिल कर लिया, वो अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दिया तमाम लोगों को, और उसी में जिन लोगों को शामिल किया उसी को बड़े बड़े पद दे दिए, उनके कद बड़े कर दिए, और तो और आप जानते हैं कुछ लोगों को तो वित्त मंत्री का भी पद दिया गया है, ये कद बढ़ाया गया है। तो आप कहते हैं, मैं मेरे मित्र हैं प्रधानमंत्री जी, मैं उनका बहुत सालों से हम लोग सहयोगी भी रहे हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो भी हमारे बहुत मानते हैं, लेकिन मैं इश्यूज पे बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के बारे में। क्या आप इस तरह की बात करते हैं? यानी जितने लोग आपने अभी आपने भी सुना होगा, और आप लोगों ने कहीं दिखाया कि 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के ऊपर ईडी के और बाकी लोगों के मुकदमे हैं, 95% से ज़्यादा, ये तो कमाल है। और जो आपके पास चला गया, हमारे विपक्ष से निकल कर वहाँ गया, जो उनके पास से विपक्ष में आया उस पर तो के धुआंधार, और जो यहाँ से निकल के वहाँ गया रूलिंग पार्टी पे तो वॉशिंग मशीन में चला गया, जैसे ममता जी कहती हैं, और वॉशिंग मशीन से धुल कर निकला, उनको कुछ नहीं। यानी कमाल है, आप जो कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के हमारे मित्रगण जो कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं तो रासलीला, और हम जो कर रहे हैं विपक्ष वो कैरेक्टर ढीला, कब तक चलेगा ऐसा, कब तक देश की जनता ऐसा देखेगी। इसीलिए अब विपक्ष ने तय किया है, और विपक्ष का ये तय किया हुआ। मिलते हैं आपसे अगली बार ऐसे ही खबरों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही और न्यूज अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।